हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको एलिमेंट्री ऑफ मेंसुरेशन बताऊंगा, प्राथमिक क्षेत्र मित के बारे में। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आप पढ़ेंगे एलिमेंट्री मेंसुरेशन, प्राथमिक क्षेत्र मिति। प्राथमिक मतलब जो हमारे जो बहुत ही सिंपल और टू डायमेंशनल में और सिंपल फिगर होते हैं, उनका जो हमारा जो है क्षेत्रफल निकालते हैं हम, या उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाली फिगर है हमारी जो है रेक्टेंगुल आयत। तो ये हमारा है रेक्टेंगुल आयत फर्स्ट वाला। तो रेक्टेंगुल क्या होता है सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। एक हमारा इस तरह का फिगर ये है हमारा जो है, और इसमें एक खासियत क्या होती है इसकी जो है, इसको मान लिया हमने L, तो ये भी L ही होगी, और ये यदि B है तो ये भी B होगी। अर्थात आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं, जो आमने सामने वाली आर्म्स होती हैं, वो सेम होती हैं, और ईच साइड पे जो है 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। तो ये हमारी जो है एक रेक्टेंगल की आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। ये कहना आवश्यक है कि प्रत्येक कोने पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि साइड ने जो है आमने सामने वाली भुजाएं जो है अभी हम पढ़ेंगे, वो समांतर चतुर्भुज की भी होती हैं। तो इसकी क्लियर जो है डेफिनेशन बताने के लिए आपको यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा कि प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो वो हमारा एक आयत है और उसकी आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं। तो एक हमारा ये रेक्टेंगुलर आयत हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या हम निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्षेत्रफल जो आयत का होता है एरिया, वो होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारी जो है ये लंबाई है, ये हमारी जो है लंबाई है, और गुणा ये चौड़ाई है। तो यही हमारा जो है एक आयत का क्षेत्रफल होता है। और ये टू डायमेंशनल बॉडी जो भी होती है, उनका जो है क्षेत्रफल हम लंबाई गुणा चौड़ाई से ही निकालते हैं। और यदि थ्री डायमेंशनल की बॉडी आ गई तो वहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे एरिया के लिए हमेशा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई से ही आपको निकालना है किसी भी टू डायमेंशनल बॉडी का जो है एरिया आपको निकालना है, चाहे वो हमारा आयत हो, चाहे हमारा वर्ग हो, चाहे वो हमारा और अदर टाइप की बॉडी हो, तो उसमें हम इस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जो है एरिया हो गया दोस्तों। और इसमें सेकेंड चीज़ आती है इसकी परिमिति, मतलब परिमाप। परिमाप अर्थात इसकी जो हमारी जो है सर्कमफ्रेंस, इसकी जो साइड, इसकी टोटल लेंथ है। तो ये बहुत इजी होता है परिमाप। हमेशा किसी भी चीज़ का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है टोटल उसकी साइडों को ऐड कर देते हैं। जितनी भी साइड उसकी लंबाई है, उसकी लेंथ है, उसी को हमें बताना होता है, वही हमारा परिमाप होता है। अब देखिए, एल लंबाई यहाँ पर हो गई और बी यहाँ पर हो गई। मान लीजिए इसको आपने यहाँ पर काट दिया, काट के इसको लंबा किया, तो जितनी बड़ी लंबी एक आपकी एक रस्सी जैसी बनेगी, एक लाइन बनेगी, तो उसको नापोगे, वही हमारा जो है परिमाप होता है। वो हर एक बॉडी के लिए होता है उसी तरह से, चाहे वो हमारा जो है एक आयत हो या वर्ग हो या सर्कल हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखिए आप, इसको इसकी टोटल लंबाई कितनी आ रही है आपकी, एल ई हो गई और बी ए हो गई, और फिर से एल ई हो गई आपकी और बी ये हो गई। तो टोटल आपकी कितनी आई, दो लंबाई और दो चौड़ाई आ रही है। देखिए तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये आपका जो है एक आयत का परिमाप आ गया, 2 × लंबाई धन चौड़ाई। तो इस तरह से आपने जो है इसको निकाल लिया, ये लंबाई और चौड़ाई हैं। तो ये आपका जो है परिमाप का फॉर्मूला हो गया। ये बेसिक दो फॉर्मूले हमारे आयत के लिए यूज होते हैं, और इन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन जो है बहुत सारे आते हैं, जिनको आप जो है इजीली इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एक चीज और आती है, जैसे हमारा एक आयत है, ये हमारा एक आयत है, तो इसमें यदि हमने बीच से एक विकर्ण डाल दिया, ये ए बी सी डी है हमारा, जैसे हमने मान लीजिए ए डी क्या डाल दिया, एक विकर्ण डाल दिया, विकर्ण अर्थात जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमने यहाँ पर बना दी, एक एक नई जो है लाइन हमने ए डी इसमें डाल दी, जो एक विकर्ण है। तो जो है बहुत बार ये आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द हैपेंडनेस ऑफ दिस फिगर,
और या फिर इस मतलब आकृति में जो है इसका विकर्ण जो है क्या है। तो विकर्ण देखिए यहाँ पे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप इसमें आसानी से कह सकते हैं कि जो है हमें ये साइड यदि हमारी लेंथ एल है, ये ब्रेथ भी है, तो ये हमारी क्या होगी, जो भी होगा हमारा ये हमारा एक कर्ण के रूप में है, ये हमारा जो है विकर्ण के रूप में है एक समकोण त्रिभुज के लिए। देखिए, और आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में हमारे पास दो भुजाएं हमें पता है, तो हम तीसरी अननोन भुजा को, अननोन आंशु को निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो इसमें भी वही हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। आप मान लीजिए यहाँ पर हम ए डी निकालना है हमें, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इजीली इसको आपने निकाल लिया, क्योंकि आपका जो जो आपका ए डी का स्क्वायर हुआ होगा वो ए बी का स्क्वायर, देखिए आपका यहाँ पर इस तरह से हुआ होगा, ए डी जब आपने निकाला होगा तो पहले आपने लिखा होगा ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। और जब आप यहाँ पे ए डी निकाल रहे हैं तो आपने इस रूट को, स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया, और यहाँ पे ए बी की जगह पे एल रख दिया और बी डी की जगह पे बी रख दिया। तो इस तरह से आपका ये विकर्ण का फॉर्मूला निकल गया। अब आपसे जब यहाँ पर विकर्ण कभी भी पूछा जाएगा तो आप सीधे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और जो है विकर्ण को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे जो है दो तीन एक बेसिक फॉर्मूले थे एक रेक्टेंगल में। अब हम नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, नेक्स्ट सिंपल एक बॉडी की बात करते हैं, वो है हमारा स्क्वायर वर्ग। अब देखिए दोस्तों, वर्ग हमारा क्या होता है, वर्ग में भी कुछ जो है बहुत सारी हमारी आयत की प्रॉपर्टियां होती है। पहली तो ये होती है कि इसके भी प्रत्येक कोने पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का इसके भी प्रत्येक साइड पर बनता है जो है, तो ये हमारा है इस तरह से। और इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी प्रत्येक साइड जो है ये जो है बराबर होती है, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा जो है बराबर होती है। यदि हमारी ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो ये इसकी आइडेंटिटी है कि प्रत्येक कॉर्नर पर इसकी 90 डिग्री का एंगल बनता है और प्रत्येक भुजा इसकी समान होती है। तो ये हमारा एक वर्ग है, एक वर्ग की डेफिनेशन है। अब हमें जो है इसके लिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वर्ग के लिए क्षेत्रफल निकालना है। और आपको क्षेत्रफल हमने अभी बताया था कि हमारी जो भी टू डायमेंशनल बॉडीज होती हैं, जो हमारी सिंपल बॉडीज होती हैं, उनके लिए हमारा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपकी क्या है, ए है, और गुणा चौड़ाई क्या है आपकी, वो भी ए है। तो ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, ए इंटू ए क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका एक वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ए हमारी क्या है, ए बराबर हमारी जो है ये भुजा है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर जो है, तो ये हमारा जो है वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरा आता है हमारा परिमाप, इसके लिए भी वर्ग के लिए परिमाप और भी ये है। परिमाप मतलब सभी के लिए वही चीज हो गई, टोटल इसकी लेंथ जो है, जो जो है इसकी टोटल लंबाई जो है। तो इसको हमने अगर काट के देखें तो यहाँ पे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बनता है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सभी को आपने ऐड कर दिया तो कितना बन गया आपका, 4a। तो ये आपकी जो है 4a आपका परिमाप बन गया एक वर्ग के लिए। अब इसमें भी एक चीज आती है दोस्तों, देखिए यदि हम इसमें भी एक विकर्ण डाल दें, एक स्क्वायर लिया हमने, ये ए है, ये भी ए है, और आपने इसमें एक विकर्ण डाल दिया, मान लीजिए ये वाला, ये ए बी सी डी था आपका, और आपने ए डी इसमें क्या डाल दिया, एक विकर्ण डाल दिया। अब आपको बताना है कि हमारा जो है ए डी इसमें क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, इसको भी आप वैसे ही निकाल सकते हैं, सेम सेम थिंग है। यहाँ पर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है देखिए, और आपका जो है इसको निकालना कर्ण को, तो आप क्या करेंगे, आप वैसे ही करेंगे जो है जैसे आप पहले कर रहे थे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको मान लीजिए आप, आपका जो विकर्ण है ए डी है, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपका आ गया यहाँ पर 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ए डी आ गया रूट टू, और ए आपका बाहर आ गया देखिए, क्योंकि ए स्क्वायर है, और जब हमने अंडर रूट लगाया तो स्क्वायर का ए बन गया। तो ये आपका जो है विकर्ण बन गया। तो इस तरह से आपका देखिए दोस्तों,
विकर्ण आ गया ए रूट टू। बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि यदि किसी स्क्वायर की कोई साइड जो है हमारी दो है या तीन है तो बताइए उसका कर्ण क्या होगा, उसका विकर्ण क्या होगा, उसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो आप देखेंगे सबसे लंबी जो भुजा होती है एक तो हमारी जो है विकर्ण होती है। अब आप यहाँ पर कोई भी इससे अदर लाइन डाल दीजिए, इससे बड़ी लाइन आपको एडी से बड़ी लाइन कोई नहीं मिलेगी। तो आपको पहला जो है एक क्वेश्चन ये दिमाग में रखना है, ये इस बात को ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी जो हमारी जो है फिगर में होती है, चाहे वो आयत हो चाहे वर्ग हो तो या चाहे त्रिभुज हो, तो उसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है आपकी विकर्ण ही होती है। विकर्ण से लंबी भुजा कोई नहीं हो सकती है। और यदि आपसे पूछ लिया गया कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए, वहाँ आपसे ये नहीं कहा गया कि ये विकर्ण बताइए, ये इस तरह से कुछ भी बताइए, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, आप वहाँ पर सीधे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा हमारी विकर्ण होती है और ये विकर्ण के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको वहाँ पर विकर्ण फाइंड आउट कर देना है इन फॉर्मूला का यूज़ करके। अब दोस्तों एक हमारा जो है कॉमन क्वेश्चन आता है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। कोई भी जो है रूम होता है, कोई कमरा होता है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो आप वहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं कि हम वहाँ पर एक आयत समझ के उसको जो है निकाल देते हैं या कर देते हैं, तो उसके लिए एक विशेष थोड़ा सा थोड़ा अलग फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमारा आता है दोस्तों कमरे की चारों दीवारों का यदि हमें क्षेत्रफल निकालने को आए। बहुत बार हमें आता है कि हमारे जो है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसमें आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको दो गुणा लंबाई धन चौड़ाई के साथ साथ गुणा ऊंचाई भी करना है। इतना तो आपको पता चल गया कि ये तो आयत हो गया। अब आप देखिए जब कोई कमरा होता है तो नीचे से आपका जो है यहाँ पर आयत तो आ रहा है, ऊपर एक यहाँ पे ऊपर भी आता है देखिए, तो ये ऊंचाई जो होती है हमारी, इस ऊंचाई को भी आपको इस आयत के क्षेत्रफल में गुणा करना होता है, तभी आपका जो है कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल आता है। तो इसलिए आप जो है हमेशा यहाँ पर ध्यान रखेंगे आयत के क्षेत्रफल के साथ साथ आपको यहाँ पर ऊंचाई को भी गुणा करना है एक कमरे का क्षेत्रफल निकालते समय। तो इस तरह से आप जो है कमरे का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से इजीली निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट बॉडीज पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रकार के फिगर जो है सिंपल वाले टू डायमेंशनल में। तो दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज एक पैरेललोग्राम का हमारा जो है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, उसका क्षेत्रफल और जो भी है उसके बारे में हमें जानना है। पहले हमें ये जानना है कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज था जिसमें जो है भुजाएं समांतर होंगी, अब वो हमारा जो है समांतर चतुर्भुज होगा। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे कि आयत की तरह हमारा जो है, अब यहाँ पर आप इसको याद रखने के लिए देखिए, आप समांतर चतुर्भुज को याद रखने के लिए यहाँ पर आयत को अपने दिमाग में रखिएगा, रफ में आप आयत को दिमाग में रखना, क्योंकि इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इसकी जो है एक आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसकी जो आपस में जो भुजाएं, मतलब ये जैसे ए बी सी डी है, तो दोस्तों इसमें जो है हमारा जो है ए बी समांतर होता है सी डी के, और दूसरी चीज़ हमारा जो है ए सी समांतर होता है बी डी के, और इसमें हमारा जो है ए बी बराबर हमारा सी डी होता है और ए सी बराबर बी डी होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी जो है एक आयत की तरह है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इतना है कि इसमें जो है यहाँ पे किनारे पे जो है 90 डिग्री का कोण बने ये जरूरी नहीं है। तो ये हमारा जो है एक डिफरेंट हो गया, या हमारा जो है यहाँ पर समांतर होनी चाहिए केवल हो गया, दोनों मतलब आमने सामने की भुजाएं हमारी समांतर भी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए, तो हमारा जो है एक पैरेललोग्राम बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब देखिए दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालना, आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने कहा था कि आपसे आपको लंबाई और चौड़ाई का यूज करना है, बस हो गया। तो आप यहाँ पर इसको मान लीजिए आपने इसको एक आधार कहें इसे आप, या ये लंबाई वही बात है, एक ही बात है, तो आधार आपने इसको मान लिया, और आप यहाँ पर ऊंचाई किसे कहेंगे, आप ऊंचाई इसको कहेंगे, यहाँ पर इस तरह से आप लेंगे तो ये आपकी ऊंचाई होगी देखिए, तो आपकी ये क्या है, ऊंचाई है या ये चौड़ाई है जो भी है, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो वही बनेगा, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है वैसे ही आधार और गुणा ऊंचाई। आप देखिए यहाँ पे ये आपकी लंबाई है और आपकी ये चौड़ाई है, तो वही आपका जो है फॉर्मूला बना। तो इस तरह से आप इसकी जांच कर सकते हैं और क्षेत्रफल जो है आपको इससे मिल जाएगा इजीली। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो फिगर है उसकी बात करते हैं।
एक हमारा सम चतुर्भुज जो होता है, एक सम चतुर्भुज तो दोस्तों ये हमारा सम चतुर्भुज है, रोम्बस। तो एक रोम्बस क्या होता है इसके बारे में जानना है पहले हमें। इसके लिए आपको वर्ग याद करना पड़ेगा। आप रोम्बस के लिए वर्ग को दिमाग में लाइए। और हमें पता है कि वर्ग की हर एक भुजा बराबर होती है, तो वैसे ही रोम्बस में भी होता है। रोम्बस में देखिए इसकी जो है यहाँ पे इस साइड ने जो है सेम है, प्रत्येक साइड सेम है, लेकिन ये है कि ये साइड ने जो है आपस में समांतर हैं एक दूसरे के। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि जो है ये जो है एकदम 90 डिग्री का कोण बनाएंगी यहाँ पर किनारों में, बाकी वही है, बाकी बराबर होती हैं। और इसके इस तरह से विकर्ण बनते हैं, एक ये बन गया, जैसे एक ये बन गया, और ये जो है बराबर एकदम हाफ पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं। इसको मान लीजिए ए बी सी डी आपने नाम दिया, और आपका ये D1 हो गया विकर्ण, और ये D2 विकर्ण हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका। अब आप देखेंगे यहाँ पे, हमने मान लो एक यहाँ पे साइड जो है ए मान ली, तो आपकी प्रत्येक साइड यहाँ पे ए हो जाएगी, तो इस तरह से बन जाएगा। अब आपको इसका क्या निकालना है, यदि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है आपका 1/2 इंटू D1 इंटू D2, अर्थात 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, जो आपके विकर्ण होते हैं विकर्णों का गुणनफल गुणा। तो ये आपका जो है फॉर्मूला होता है इसका सम चतुर्भुज का। जो भी आपके जो ये विकर्ण हैं D1 और D2 आपने जो डाल रखे हैं बीच में, इन दोनों को आप आपस में गुणा करके उनका हाफ कर देंगे, तो वही आपका इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि ये बॉडी थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह डिफिकल्ट होती है, तो इसमें हम जो है इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, और इसकी हमारा जो है इजीली जो है हमें इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाता है एक रोम्बस का। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और होती है, हमें जो है जब भुजा निकालनी होती है, बहुत बार आ जाता है कि हमें जो है विकर्ण दिए होते हैं लेकिन हमें भुजा निकालनी पड़ती है, तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे आपको ये भुजा निकालनी है, मान लीजिए आपको यही निकालनी है, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर है, आप किसी को भी ले लीजिए, आपने मान लिया यहाँ पे इसको ले लिया, या तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखिए आपका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अननोन साइड के लिए। अब आपको अननोन साइड क्या निकालनी है, ए आपको ये निकालनी है, तो आपको ये पता है जो है D1 है ये D2 है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा D2 का हाफ, तो ये आपका D2/2 बन गया इतना, और इतना आपका D1/2 बन गया। तो इसको आप O मान लीजिए, O पॉइंट से आपका OB आपका D2/2 और OD D1/2 बन गया। तो आपको ये निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपकी सबसे बड़ी साइड यही वाली है देखिए, तो आप यहाँ पे विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर करेंगे बराबर D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से आपको साइड क्या मिल गई, देखिए आपको जो साइड मिली ए इक्वल टू 1/2 आपका बाहर आ गया, क्योंकि आपका जो है D1/4 आ रहा है प्लस D2/4, और आपका जो है जो 4 है 4 का वर्गमूल करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, तो ये बाहर आ जाएगा, और अंदर बच गया हमारा D1 प्लस D2 दोनों का स्क्वायर जो है, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर 2/2 आपका जो है एक क्या आ गई है आपकी भुजा, आपकी साइड आ गई। तो आपको इस तरह से पूछ लिया जा सकता है, ज़्यादातर आपको यहाँ पर भुजा पूछी जाती है क्वेश्चनों में कि बताइए साइड जो है क्या होगी, क्योंकि क्षेत्रफल इसका बहुत ईजी होता है। तो साइड भी आपको जो है इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना है कि √D1² + D2² / 2 होता है जो है इसकी साइड के लिए फॉर्मूला, ये आपको जो है याद रखना है, करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा है समलंब चतुर्भुज, एक ट्रिपोजियम जो है, एक ट्रिपोजियम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हमने इसको लिखा है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा जो है समांतर होना चाहिए। एक ट्रिपोजियम बनाने के लिए, एक समलंब बनाने के लिए आपको क्या करना है, हमारा कभी भी जो है एक चतुर्भुज होता है, तो चतुर्भुज की क्या होती है, चार भुजाएं होती हैं, उनमें से आपकी जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं
कोई दो जोड़े होंगे हमारे हर एक चतुर्भुज में, तो एक जोड़ा कोई हमारा क्या होना चाहिए, उनमें समांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया इस तरह से, मान लीजिए हमने इस तरह से बनाया एक, यहाँ पर इसको यो बना दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी जो है ए बी सी डी है, और क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है हमने समांतर चतुर हमने जो है समांतर की डेफिनेशन पढ़ी थी। समांतर कौन सा होता है, जिसको इनफाइनाइट तक ले जाने पर भी जो है आपस में कट ना करे, तो इस तरह की जो हमारी लाइन होती है वो समांतर होती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप क्लियरली ए और बी और सी और डी जो है आपस में समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, क्योंकि आप इन्फाइनाइट तक भी इनको बढ़ाते जाएं तो भी ये आपस में कट नहीं करेंगे। लेकिन आपका यहाँ पर देखिए ए सी और बी डी जो है ये कहीं जाके यहाँ पर ऊपर को, कहीं हम ऊपर को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कट कर जाएंगे, तो ये जो है आपस में समांतर नहीं है। तो हमें जो है समलंब चतुर्भुज होने के लिए केवल एक ही जोड़े की आवश्यकता है जो समांतर हो, तो ये और ये वाला हमारा जो है आपस में समांतर है, तो ये हमारा जो है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी एरिया को निकालने के लिए हम वैसे इसकी एरिया के लिए स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला है मतलब विशेष कोई इस तरह का नहीं, यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन हम यो, और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो है ये त्रिभुज बन गया और ये हमारा जो है समांतर चतुर्भुज बन गया। और यहाँ पर आप क्लियरली जो है समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक एक आपका जो है समांतर चतुर्भुज का बन गया और एक आपका ये त्रिभुज बन गया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल करेंगे प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे यहाँ पे, तो आपको जो है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, एक हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये त्रिभुज, और आपको पता ही है कि त्रिभुज आपका ये समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज जो भी होगा उसका एरिया निकालना है, तो आपको 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो उसी फॉर्मूले का यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की, और वो है आपका जो है एक हमारा जो है त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज जिसके बारे में हम यहाँ पर कोणों के बारे में बताएंगे, जिसके सभी कोण जो है बराबर होते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा होगा कि जिसकी सभी बाहें समान होंगी वो एक हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। मान लीजिए हमने ये ले लिया यहाँ पे ए बी सी, और इसकी सभी जो है बाहें क्या हैं, समान हैं। ये मान लीजिए यदि ए है तो सभी ए होंगी, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, और हम इसको हीरोन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो हमने पिछली वीडियोज में बता रखा है। और यहाँ पर आप हाइट के लिए यहाँ पर नंबर डाल देते हैं और इसको पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लेते हैं, तो इस तरह से आपका जो है इसका क्षेत्रफल आप निकाल लेते हैं इजिली त्रिभुज का। अभी आपको जो है इसके बारे में एक विशेष चीज है समबाहु त्रिभुज के बारे में, इसके जो है प्रत्येक कोण के बारे में, ये हम तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, प्रत्येक कोण में त्रिभुज में होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसको कोण 1 दे दिया, इसको कोण 2 दे दिया आपने नाम, इसको कोण 3 दे दिया, तो इसे तीन एंगल हो गया, और आपको इसके त्रिभुज के बारे में ये रिलेशन पता होगा जो सबसे बेसिक रिलेशन है, तीनों कोणों का योग अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो ये हो गया, और आपने देखा अभी जो है इसके प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होती हैं एक समबाहु त्रिभुज की। तो यदि आपको पता है कि 1/2 / 3 होता है, तो आप यहाँ पर 2 की जगह पर भी 1 लिख सकते हैं, 3 की जगह पर भी 1 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर यही लिख सकते हैं कि कोण 1 + कोण 1 + कोण 1 = 180, अर्थात 3 कोण 1 = 180 और कोण 1 बराबर आपका क्या आ गया 180/3 अर्थात 60 डिग्री। तो आपको यहां पर मिल गया कोण 1 = 60 डिग्री, और आपको पता है कोण 1 = कोण 2 है और = कोण 3 है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि एक समबाहु त्रिभुज की सभी जो है कोण और भुजाएं बराबर होती हैं, और इसकी प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है 60 डिग्री होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि हमारा जो है ये यहाँ पर ये कोण क्या होगा, कितना होगा। अभी हमको यहाँ पर पूछ लिया जाए, यहाँ पे एक लंबा डाल के पूछ लिया जाए कि हमारा जो है यहाँ पर कोण कितना होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं समद्विभाजित कर रहा है इस कोण को, ये
तो इसका ये पूरा कोण 60 ही होता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग हैं, इनको पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, 30 डिग्री के बन रहे हैं, 30 30 डिग्री के यहाँ पर दोनों। तो इस तरह से आपको जो है इनका यूज़ करना है, इनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और इस तरह निकाल लेना है। अब आपका नेक्स्ट आता है एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें भी हमारा जो है एक एंगल के बारे में विशेष प्रॉपर्टी है। तो आपका यहाँ पर दिख रहा है, देखिए दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज आयसोसेल्स ट्रायंगल, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, सबसे पहले तो हम इसको समझ लेंगे होता क्या है। इसकी दो भुजाएं समान होती हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि समद्विबाहु मतलब जिसकी दो बाहें समान होंगी, दो आर्म समान होंगी। तो ये इस तरह से ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और इसकी मान लीजिए ए और ये साइड जो है बराबर हैं, इनकी लेंथ ए है और मान लीजिए बी है। तो इसका क्षेत्रफल, सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल वही हमारा जो है 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे हम यहाँ पे, अदर फॉर्मूला नहीं देखेंगे हम यहाँ पे। एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हमने ट्रायंगल के लिए जो पढ़ा है उसी का हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे इसके लिए अदर फॉर्मूला निकल सकता है यहाँ से, लेकिन हम उसको नहीं निकालेंगे क्योंकि उससे कन्फ्यूजन होगा आपको। एक त्रिभुज के लिए बेसिक फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, अब इसके बारे में हम एक अदर विशेष चीज़ क्या देखेंगे, ये हमारा कोण मान लीजिए 1 है और ये कोण हमारा 2 है, ये हमारा थर्ड वाला कोण है। तो यहाँ पे हमारा जो है समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए दो कोणों में रिलेशन होता है, जो नीचे वाले ये दो कोण बनते हैं यहाँ पर हमारे सेम साइड में, तो ये कोण बराबर होते हैं आपस में दोस्तों, कोण 1 और कोण 2 बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल सकता है, जब आपको यहाँ पर मान लीजिए आपसे ये बता दिया गया कि एंगल जो है आपका, ये एंगल आपको मान लीजिए दे दिया गया, मान लीजिए 45 डिग्री दे दिया गया ये, और आपसे पूछ लिया गया कि आपका जो कोण यहाँ पर नीचे एक्स है इसको वाई दे दिया, तो आपको पूछ लिया गया कि एक्स और वाई कितने हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आपको पता है कि ये यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो एक्स बराबर वाई होगा, अर्थात आप यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस एंगल थर्ड जो आपका है 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया आपका, और आप यहाँ पे एक्स प्लस वाई को भी एक्स लिख सकते हैं क्योंकि एक्स बराबर वाई है, तो इसको भी आप एक्स लिख सकते हैं बराबर 180 माइनस आपका आ गया 45। तो आपने इसको सबट्रैक्ट किया तो आपका यहाँ पर आ गया, तो आपका आ गया 135 डिग्री। अब आपको यहाँ पर 2x आ गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया 135, 2x इक्वल टू 135/2, और वैसे ही आपका ये आपका क्या होगा y भी होगा क्योंकि दोनों आपके सेम ही हैं। यदि आप इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो x इक्वल टू y इक्वल टू 2 का डिवाइड कर दीजिए 67.5 डिग्री आपका जो है ईच एंगल आ गया x और y। तो इस तरह से जो है आप इनकी प्रॉपर्टीज का यूज़ करेंगे, इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उनका यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन का आप जो है इनसे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, जिनमें हम बेसिकली अभी तक जो हमने स्टडी किया उनका जो है थोड़ा रिवाइज हो जाएगा इनसे, इन क्वेश्चनों से। फर्स्ट में आपको देखिए एक फिगर दे रखा है और आपको दो विकर्ण दे रखे हैं, और आपसे ये क्लियर है कि ये सभी साइडें जो है इक्वल हैं और इनके दो विकर्ण दिए हैं आपको D1 और D2। तो आपको इसका निकालना है, एरिया निकालना है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ आपको इसकी साइड निकालनी है, भुजा निकालनी है। तो सबसे पहले आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसकी साइड निकालनी है, और आपको दिया है दोनों विकर्ण दिए हैं। अब आप यहाँ पर सबसे पहले ये यहाँ पर आइडिया लगाएंगे बॉडी क्या है, ये बॉडी आपकी ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज में आपका क्या होता है सभी साइडें इक्वल होती हैं और उसका जो क्षेत्रफल होता है हम यहाँ पे इसे फर्स्ट नाम देते हैं, इसे सेकंड और इसको थर्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट को करेंगे, फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल आपको बताना है, और क्षेत्रफल आपको बताया 1/2 इंटू विकर्णों का इसको गुणनफल होता है, इसमें D1 इंटू D2 होता है। तो आपको पता है यहाँ पे सीधे से आप निकाल लेंगे 1/2 इंटू आपके विकर्ण है 7 और 8, तो 7 और 8 गुणा कर दिया आपने बराबर 56/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब आपने इसको शॉर्ट आउट किया सॉल्व किया तो आपका आ गया 28
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो है इस समान सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। और नेक्स्ट चीज आपको बतानी है इसकी भुजा, भुजा बतानी है इसकी, आम बतानी है। और आम आपके यहाँ पे इसमें ए ले रखी है हमने, ए बराबर निकालना है आपको। और आपको पता है कि 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ d1 प्लस d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है, ये आपने अभी फॉर्मूले में पढ़ा है। ये हमारी साइड जो होती है ये होती है अगर ये, तो आप इसमें सीधे रखेंगे और आपका निकल गया यहाँ पे 1/2 अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा। और आप इसको यहाँ पे सॉल्व आगे कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इक्वल टू किया आपने 1/2 अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 8 का 64 होता है। और आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/2 अंडर रूट आपका आ जाएगा 113। तो ये आपका जो है इतनी सेंटीमीटर आपकी जो है साइड आ गई। तो आपकी प्रत्येक साइड जो है इतनी होगी 1/2 अंडर रूट 113। तो ये आपने जो है साइड निकाल ली फॉर्मूले का यूज करके। अब आपका जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में आपको निकालना है आपकी एक्स वाई और जेड क्या है, और आपको दिया है कि 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। अर्थात ये आपका जो त्रिभुज है किस तरह का है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए आपने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि समबाहु त्रिभुज की सभी जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और उनकी माप कितनी होती है, उनकी माप जो है हमारी 60 डिग्री होती है। तो इस तरह से आपका जो है एक्स वाई जेड जो है 60 डिग्री आ जाएंगे। अब आपको थर्ड वाला क्वेश्चन दिया गया है, और थर्ड वाले में निकालना क्या है आपको, आपको देखिए एडी निकालना है, और आपको दिया है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है, वर्ग है, और वर्ग का जो है आपको एडी निकालना है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा विकर्ण निकालना है आपको। तो एडी बराबर आप फॉर्मूला लिखेंगे, ए रूट टू होता है, और ए रूट टू होता है आपको, ए साइड पता है 5 और रूट टू इतनी क्या सेंटीमीटर आपकी ये एडी आ जाएगी। तो सभी आपने इतनी इजीली जो है निकाल लिए फॉर्मूला का यूज करके। और भी आप इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, और अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है इन फॉर्मूले के रिवाइज के लिए इस तरह से इजीली जो है इनको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके थैंक्स।